हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर ब्लॉग। तो आज हमारा सैटरडे है, सैटरडे के दिन ये स्टार्ट किए हैं। थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं था सुबह से, मतलब माथा में इतना ज्यादा दर्द था कि मत पूछिए, बहुत ज्यादा ही परेशानी था। तो आज है दिन का सैटरडे, आज वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। मैं हर वीडियो में यही बोलती हूँ, कुछ खास रहता है इसीलिए। तो आप लोग इस वीडियो को देखिए, पसंद आएगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए, आज है सैटरडे, तो सैटरडे के दिन खिचड़ी बनेगा, तो खिचड़ी का प्रोसेस तैयारी करते हैं। तो सैटरडे है तो सैटरडे के दिन बनेगा खिचड़ी चोखा। तो खिचड़ी चोखा अभी तो इतना बढ़िया, मतलब मटर वगैरह मिल नहीं रहा, तो सब्जी डालकर, जो सब्जी मसाला वाला जो खिचड़ी होता है, हम प्लेन खिचड़ी ही बनाते हैं, जीरा वाला। तो दिखाते हैं आपको कैसे बना रहे हैं। चलिए, नमक है, ये हल्दी है, अब हम दाल और चावल ले लेते हैं। तो दाल चावल हमारा इसी में है, इसको हम बढ़िया से धो ले रहे हैं साफ करके। ये देखिए, अब हम इसमें डाल देंगे। हम तो खिचड़ी बना दिए, मतलब चावल डाल दिए हैं, और इसी भगोने में आलू ले लिए हैं, इसको बढ़िया से धो लेंगे। और इसी खिचड़ी में ही, मतलब जो दाल चावल हल्दी नमक जिसमें डाले हैं, इसी में ही मतलब आलू भी डाल देंगे अपना क्वांटिटी के हिसाब से। हम, मेरा ये है 3-3-6 पीस, हिसाब से आप अपना इसमें डाल सकते हैं। इससे क्या होता है कि समय का भी प्रॉब्लम नहीं होता, ज्यादा गैस भी नहीं लगता है, और बर्तन भी गंदा ज्यादा नहीं होता है, और हमारा काम भी हो जाता है। तो हम खिचड़ी भी चढ़ा दिए हैं, खिचड़ी चढ़ गया है, और देखिए मिठाई हमारा कैसे रखा हुआ है। और भी मिठाई है, दिखाते हैं आपको, जिनको जिनको खाना है खा लीजिए। ये तो एक डिब्बा हुआ। तो देखिए, अब हमारा खिचड़ी वहां पर चढ़ गया है, उसी में दाल चावल खिचड़ी का सारा सामान है, और आलू भी डाल दिए हैं। अब हम, आज तो धूप है, इतना अच्छा हुआ है कि गेहूं धोते तो सूख जाता, लेकिन गेहूं धोए नहीं क्योंकि मन ठीक नहीं था इसके वजह से। तो चलिए, आज आपको दिखाते एक बढ़िया चीज, देखिए हमारे घर की गार्डन। आज संडे के कारण कोई पूजा नहीं किया, हम भी पूजा नहीं किए हैं। ये हमारे घर के पीछे का गेट है, आप लोग अधिकतर वीडियो में देखे ही होंगे कि पीछे वाला गेट हमारा है। और ये हम आ चुके हैं पीछे, हरा हरा। आपको दिखाना चाह रहे थे एक पौधा जो हमारे घर के बगल में, मतलब पीछे में हुआ है। ये हमारा पॉन्ड्री है, और इसी के पीछे आप लोग ये पत्ता देख रहे होंगे,
देखिएगा इसका जादू, इसको हम छुए और देखिए, देखिए कैसे मुरझा गया। देखिए आप लोग तो देख ही सकते हैं इसको क्या बोलते हैं, आप लोग कमेंट्स बोलिएगा, लेकिन हम आप लोगों को बता देते हैं, इसको बोला जाता है छुई मुई। ये पौधा हम बहुत दिन से मतलब खोज रहे थे कि हमको कहीं मिल जाए मिल जाए मिल जाए। एक दिन आए हम पीछे देख रहे हैं तो ये छुई मुई का पौधा हमको मिला, तो हम सोचे आप लोग के साथ एक बार शेयर करें। ये देखिए यहाँ पर भी कैसे छुई मुई टाइप से शर्मा जा रही है। देखिए तो ये है हमारे घर के पीछे की बैकग्राउंड, हरा हरा सा। तो अब चलिए हम लोग चलते हैं घर में, क्योंकि धूप बहुत ज्यादा है, ज्यादा धूप में रहने पर तबीयत भी खराब हो जाएगा, फिर आप लोग ब्लॉग नहीं मिल पाएगा समय पे। ये मेरे घर का पीछे का बैकग्राउंड है, पीछे वाला गेट है, तो आप लोग देख ही लिए। और ये मेरा घर कहाँ देखिए,